बेंगलोर न्यूज़ टुडे में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं, एक आदमी ने लॉस किया अपने क्रेडिट कार्ड से करीबन 46,000 रुपीज़। कहा यह जा रहा है कि एक प्राइवेट फर्म में काम करने वाला आदमी को यहाँ पे अपडेट करने के लिए कहा गया अपना लोकेशन, क्योंकि यहाँ पे उनका डिलीवरी आने वाला था। कहा यह जा रहा है कि जो फ्रॉडस्टर थे उन्होंने आके यहाँ पर फिशिंग का इस्तेमाल किया, या फिर आप कह सकते हो कि साइकोलॉजिकल अटैक किया, जिसके अंदर कहा गया है कि जो पार्सल है वो आके अपडेट होगा अगर आप आके लोकेशन अपना चेंज करोगे। तो देखा जा सकता है FIR लॉन्च हो चुका है साइबर क्राइम ऑफिस के अंदर बेंगलुरु के, और कहा जा रहा है कि यहाँ पे करीबन 46,000 रुपीज़ का आके यहाँ पे घोटाला किया गया। देखा जा सकता है कि यहाँ पे जो आदमी का नेग्लिजेंस है, या फिर आप कह सकते हो कि साइकोलॉजिकल आके यहाँ पर अटैक किया गया। देखा जा सकता है कि यहाँ पर जो आदमी है उसको कहा है कि 12 घंटे के अंदर आप अगर अपना लोकेशन यहाँ पे चेंज नहीं करते हो तो आपका जो डिलीवरी है वो नहीं होगा। और आके यहाँ पे 6 नवंबर को ये सब कुछ हुआ है घटना। तुरंत बाद देखा जा सकता है उस आदमी को एक वन टाइम पासवर्ड आया था, वन टाइम OTP, तो उसने उसको फिल करते ही यहाँ पे 25 रुपीज़ प्रोसेसिंग फ़ीस लगाया, और उसके बाद आके यहाँ पे देखा जा सकता है कंटिन्यूसली ट्रांजेक्शन होता रहा उस विक्टम के कार्ड के साथ, और उसके बाद जब तक बैंक से ब्लॉक कराया तब तक आके यहाँ पे 46,139 रुपीज़ यहाँ पे वाइट वॉश हो चुका था। देखा जा सकता है जब से आके यहाँ पे ये खबर आया है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करने की ज़रूरत है कि कैसे वो आके बचे इन साइबर फ्रॉड से, या फिर जो लालच देते हैं कि आपका कुरियर आया है, अगर आपका कुरियर आपने नहीं बुलाया तो क्यों आएगा। और जो कोई भी आके यहाँ पर फंस सकता है उनको ही आके यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। और भी कोई अपडेट आता है तो आपको इस चैनल के अंदर मिल जाएगा। उम्मीद है कि आपको कुछ नया जानकारी मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।